ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी के पार्ट फाइव पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि यहाँ लिखा है कि टेन फाइव थीटा की वैल्यू क्या होगी या फार्मूला क्या होगा। आप टेन टू थीटा का फार्मूला आपने देखा होगा, टेन थ्री थीटा का फार्मूला देखा होगा। अब बाई चांस टेन फाइव थीटा का फार्मूला लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, टेन सेवन थीटा का फार्मूला लिखने को आ जाए कैसे लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि आप इजीली 10-11 थीटा, 10-13 थीटा, कोई भी इस टाइप का कोई भी फार्मूला होगा इजीली आप कर पाएंगे। पहले हम लोग जो जानते हैं, जो हमें पता है, तो 10 2 थीटा का फार्मूला सबको पता होगा, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10 3 थीटा की बात करें तो ये भी फार्मूला पता होगा, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने 10 4 थीटा की बात की तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल ना हो। 10 5 थीटा की बात करें तो अब यहाँ पे कंफर्टेबल हम लोग उतना सहज नहीं है। तो जो फॉर्मूले हमें याद हैं उन्हीं पे देखते हैं कि ऐसा क्या पैटर्न इस पर ऑब्जर्व करें जो यहाँ पे लगा पाएं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, 2 10 थीटा को हम लोग अगर 2 सी 1 10 की पावर 1 थीटा, मतलब हमने यहाँ पे 1 लिया ऑड, अब इसके बाद 1 के बाद ऑड क्या आएगा, 3। मगर हमें पता है कि एनसीआर में अगर 3 सी 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2 सी 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कभी एनसीआर में अगर एन छोटा हो गया आर से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसके बाद ऑड 3 वाला आएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब नीचे इवन वाले लाते हैं, 2 सी 0 10 की पावर 0 थीटा माइनस अल्टरनेट में 2 सी 2 अब 10 स्क्वायर थीटा। तो आप इसको देखेंगे 2 सी 0 10 की पावर 0 2 सी 0 1 और 10 की पावर 0 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 सी 2 1 10 स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में लिखा, उसी तरीके से इसको भी लिखने की कोशिश कर देंगे। यहाँ पे 3 है, ऑड वाले चलेंगे 3 सी 1 10 की पावर 1 थीटा अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ 1 है माइनस 3 सी 3 10 की पावर 3 थीटा। आगे जाएंगे तो ऑड में 5 आएगा, 0 हो जाएगा अपॉन, अब 0 इवन वाले 3 सी 0 10 की पावर 0 थीटा अल्टरनेट माइनस 3 सी 2 10 की पावर 2 थीटा। फिर 3 सी 4 आएगा वो वैनिस हो जाएगा। तो अब यहाँ मैच करें तो 3 सी 1 3 होता है, 3 10 थीटा हो गया ये वाला, 3 सी 3 1 हो गया, 10 क्यूब थीटा यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। 3 सी 2 कितना होता है, 3 होता है भाई, 3 सी 2 3 होता है भाई। अब ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो 4 सी 1 10 की पावर 1 थीटा अल्टरनेट माइनस प्लस 4 सी ऑड वाले 3 10 की पावर 3 थीटा। अब 4 सी 5 तो होने वाला नहीं, 4 सी 0 10 की पावर 0 माइनस 4 सी 2 10 की पावर स्क्वायर थीटा प्लस 4 सी 4 10 की पावर, इसको आप सॉल्व कर लें, 10 की पावर 10 की 10 5 थीटा लिखने वाले हैं तो क्या होगा, 5 सी 1 1 थीटा अब प्लस माइनस माइनस 5 सी 3 फिर प्लस 5 सी 5 10 की पावर। अब यहाँ पे आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 5 सी 0 10 की पावर फिर माइनस आएगा इवन वाला 5 सी 2 10 की पावर, फिर क्या आएगा प्लस 5 सी 4 10 की पावर, आगे आएगा नहीं। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमने देखा है,
किसी का भी लिखना हो तो ऑड वाले ऊपर रहेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा, इवन वाले नीचे रहेंगे, टेन की पावर टेन सेवन थीटा, टेन इलेवन थीटा, आप ऐसा कोई भी फार्मूला आता है आप इजिली लिख सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला हमने यहाँ पे लिया है आपके सामने, टेन ए प्लस बी, ये सबको याद है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, बट इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई करने पर टेन ए प्लस बी आएगा, माइनस टेन ए टेन टेन ए प्लस बी, टेन ए टेन बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, टेन ए प्लस बी इस वाले टर्म को यहाँ ले आए, और टेन ए टेन बी और टेन ए प्लस बी। अब इसको एज ए शॉर्टकट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि मतलब इस अगर आइडेंटिटी को हम याद कर लें तो कितना हमें फायदा होने वाला है, मतलब इस फॉर्मूले के को लगाने के बजाय हम इस डायरेक्टली इसको याद करें, लर्न कर लें तो हमें कितना फायदा होने वाला है। सपोज एक क्वेश्चन आता है टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स और माइनस टेन टू एक्स, उसके ऑप्शन दिए गए हैं टेन सेवन एक्स टेन नाइन एक्स, एक ऑप्शन दिया गया टेन फाइव एक्स टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और डी नन ऑफ दीज। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने क्या किया इस आइडेंटिटी को आपने यूज किया, आपने देखा कि थ्री एक्स प्लस टू एक्स का सम क्या बन रहा है फाइव एक्स, तो आपने इसको ए माना और इसको क्या माना बी माना, और ये क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। तो जहां पर ही आपने ये आइडेंटिटी आपने यूज की थी तो टेन ए प्लस बी की जगह क्या रखने वाले हम लोग टेन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स, तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या मिलने वाला है टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स और टेन फाइव एक्स। अगर इसका आंसर देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न करने के बजाय अगर आप डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को याद कर लें, एज ए फॉर्मूला बना लें, तो ये विद इन द सेकेंड में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिया हमने, टेन ट्वेंटी एट डिग्री इंटू टेन एट सेवनटीन डिग्री प्लस टेन ट्वेंटी एट डिग्री प्लस टेन सेवनटीन डिग्री, या अगर वो ऐसा देता है कि टेन सेवनटीन डिग्री प्लस टेन ट्वेंटी एट डिग्री प्लस टेन सेवनटीन डिग्री प्लस टेन ट्वेंटी एट डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आपको सामने लिया गया, ऑप्शन में जीरो वन माइनस वन वन ऑफ दिस है, आप क्या करें यहाँ पर देखें कि ए बराबर अगर 28 डिग्री माने और बी बराबर 17 डिग्री माने, दोनों का सम करें ए प्लस बी, तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, तो 10 ए प्लस बी जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जहाँ पर भी ए प्लस बी है वहाँ पे 1 अगर रख दें तो 1 माइनस 10 ए माइनस 10 बी बराबर, यहाँ पर 10 ए आ गया और यहाँ 10 बी आ गया और यहाँ कितना आ गया 1। इसको फॉर्मूले को रीराइट करें तो 10 ए प्लस 10 बी और प्लस 10 ए 10 बी बराबर आपको आंसर क्या मिलेगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी एंगल ऐसे दिया गया जैसे कि 28 और 17 दिया गया है, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 45। आपको मान लो ऐसा दे दिया गया, ए दे दिया गया 20 और बी दे दिया गया 25, इनका सम भी कितना आएगा 45 45 आ जाएगा। आपको ए दे दिया गया 33, तो बी ऐसा क्या दे दें, ऐसा क्या दे दें बताए हैं 12 डिग्री दे दें, मतलब इसको ऐसे फॉर्म में करके दे दें जैसे यहाँ पे दिया गया 10 12 डिग्री प्लस 10 33 डिग्री प्लस 10 12 और 10 इंटू 33, तो आंसर कितना आ गया 1। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप 1 प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी पीछे डिस्कस किया था उसी तरीके से 10 ए प्लस बी को लिया था, यहाँ 10 ए माइनस बी को इस तरीके से 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 ए 10 बी 10 ए माइनस बी और 10 ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया थोड़ा सा अगर देखें तो अटपटा सा है,
टेन सिक्सटी सेवन डिग्री माइनस टेन ट्वेंटी टू डिग्री माइनस टेन सिक्सटी सेवन डिग्री एंड टेन ट्वेंटी टू डिग्री। जब यहाँ पे देखा वहाँ पे प्लस प्लस था, ए प्लस बी वाले में क्या था, प्लस प्लस था कि नहीं, मतलब टेन ए प्लस टेन बी और प्लस टेन ए टेन बी और टेन ए प्लस बी। यहाँ क्या है टेन ए माइनस टेन बी माइनस 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 है, ठीक है। तो देखो दोनों को डिफरेंस करके देखें, 67 और माइनस 22 का डिफरेंस करें तो 45 आ जाएगा। तो जब ऐसा आ जाएगा तो tan 45 कितना आएगा, यहाँ मतलब आंसर क्या आएगा, tan 45 डिग्री, और इसका आंसर क्या 1। तो जब यहाँ पर माइनस माइनस हो तो एंगल्स दिए गए उनका डिफरेंस लें, डिफरेंस लें तो वहाँ पे 45 बन जाएगा, और जब प्लस प्लस लिए गए हो तो क्या करें सम लें, तब भी वो 45 बनना चाहिए, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1। डायरेक्टली आप आंसर इसके 1 टिक कर सकते हैं, दोनों जो शॉर्टकट बोले या ट्रिक बोले या फॉर्मूले को आप लर्न करें इजली आंसर निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे देखे गए हैं, आते हैं पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना होगा।